बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों आज एहतजाज है, आज आप नाराज नहीं लगते बल्कि आप के चेहरों पे खुशी नजर आती है क्योंकि आपने इस गासिब हुकूमत और उन गासिबों के खिलाफ आपने जद्दोजहद शुरू की है, जिसका मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और बाद में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी हमारी सियासी जमातें हैं, अंजुमन ताजिरान हैं और दूसरे हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स और दोस्त जो इस सियासी में आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मुल्क की हालत हम देख रहे हैं तो आज विफाक को बहुत पाकिस्तानी विफाक को बहुत खतरनाक लगा है। जब मैं इस जलसे को देखता हूँ, इन सियासी अकाबरीन को मैं देखता हूँ तो मुझे याद आता है जब 71 के इलेक्शन के बाद जब बांग्लादेश बना और जब मशरकी पाकिस्तान में नेशनल अवामी पार्टी और पीपल्स पार्टी और जमीत उलमा इस्लाम, ये तीन जमातें इकट्ठे होकर इन्होंने पाकिस्तान बचाया। और जो लोग कहते हैं कि हमने पाकिस्तान बचाया लेकिन वो तो 92,000 वो तो हिंदुस्तान के कैद में थे, तो आज मैं देख रहा हूँ कि आज इस फेडरेशन को बचाने के लिए एक दफा फिर बहुत सियासी अकाबरीन फिर मुतहरिक हो गए हैं कि इस फेडरेशन को हमने बचाना है और इस फेडरेशन को जो तबाह करना चाहती है हम उनको भी कहना चाहते हैं कि इसको तबाह मत करो। तुम भी जाओगे लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, तुम जाओगे बारिन और दुबई और कतर, वहां तुम अयाशी करोगे, लेकिन यहाँ जो गरीब लोग हैं हम अपने कब्रिस्तान कहाँ जो छोड़ कर जाएंगे, हम तो कब्रिस्तान वाले लोग हैं और हम उनको कहना चाहते हैं जो कब्रिस्तान वाले नहीं है वो तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे आबा अजदाद ने इस वतन के लिए कुर्बानी दी है और अभी भी हम किसी कुर्बानी से दृढ़ नहीं करेंगे। बात चली थी PSDP की, हम सिर्फ अपने हल्कों की PSDP की बात नहीं करते, हम सारे बलूचिस्तान की बात करते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और बाद में किसी और वक्त इंशाअल्लाह गपशप लगाएंगे। आज़ादी।